नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े ऐसे 5 धुरंधरों की जिन्होंने बिहार की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इनमें सबसे बड़े रामविलास पासवान हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन 4 धुरंधर अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं और इनमें से एक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। अगला नंबर आता है शरद यादव का। अभी शरद यादव जदयू से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन धुरंधरों में शामिल 2 और नाम हैं। एक नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की, जो अभी चारा घोटाले के आरोप में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और एक नाम है सुशील कुमार मोदी का, जो पिछले 15 सालों से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हालांकि बीच में उन्हें अपने कुर्सी को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ा था। सुशील मोदी राजनीति में आने से पहले MSc बॉटनी से कोर्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने JP आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इन सभी धुरंधरों में रामविलास पासवान सबसे सीनियर थे। 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए रामविलास पासवान लॉ की डिग्री हासिल किए और 1969 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास कर DSP बन गए। लेकिन उनको आना था राजनीति में, इसलिए वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े और 1969 में विधायक बन गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। अपने जीवन काल में रामविलास पासवान ने कुल 11 बार चुनाव लड़ा और 9 बार जीते। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने हमेशा अपनी पकड़ बरकरार रखी। 70 के दशक में लालू पासवान और शरद की जोड़ी खूब जमी थी। 90 के दशक में लालू और शरद राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध चले गए थे। तब बिहार में लालू के प्रभुत्व को कम करने के लिए शरद यादव ने नीतीश का सहारा लिया था, समता पार्टी का जदयू में विलय कराया और 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया। आपको बता दें कि शरद यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनका राजनीतिक कर्मभूमि बिहार ही रहा है। शरद यादव 1974 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और जनता दल परिवार से उनका गहरा नाता रहा है। शरद यादव को नीतीश कुमार का राजनीति गुरु माना जाता है। खास बात यह है कि दोनों ही इंजीनियर हैं। मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार का शरद यादव से संबंध अच्छे नहीं है और 2015 में नीतीश लालू को मिलाने वाले शरद अब लालू के साथ खड़े हैं। जयप्रकाश आंदोलन से निकली पासवान, शरद और लालू की टिकरी 90 के दशक आते आते पटना से लेकर दिल्ली तक अपना धाक जमा चुकी थी। राजनीति में आने से पहले लालू यादव क्लर्क थे और नीतीश कुमार बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी कर रहे थे। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव ने समाज के दबे कुचले लोगों का आवाज बनने का काम किया था। आज भी बिहार की राजनीति इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बिहार के पावर गेम में ये 5ों ही रहे हैं। रामविलास पासवान ने जाते जाते अपने बेटे चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू द्वारा बनाए गए पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जदयू अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, तो शरद यादव अब एक समाजवाद का जीवन जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़।